नमस्कार, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की लोच को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं, किन कारणों से मांग की लोच बढ़ती है या कम हो जाती है, और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या महत्व है, इसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में डिटेल में। सबसे पहले देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी तक प्रीवियस वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि किसी भी कारण से किसी कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाना या घट जाना। जनरली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से ही लगा दिया जाता है। उसका कारण ये है कि किसी कमोडिटी की डिमांड सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होती है वो प्राइस से ही होती है। इसलिए अमूमन इलास्टिसिटी की बात जब की जाती है तो अगर कुछ स्पेसिफिक जोड़ा ना जाए उसके साथ तो उसको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही मान लिया जाता है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब हो गया कि किसी वस्तु की डिमांड में उसके प्राइस के कम होने या ज़्यादा होने का कितना फर्क पड़ता है। जितना ज़्यादा फर्क पड़ेगा डिमांड उतनी ज़्यादा इलास्टिक कही जाएगी। अगर किसी कमोडिटी की डिमांड पे उसके प्राइस का कोई फर्क नहीं पड़ता हो, प्राइस कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए लेकिन उसकी डिमांड एज इट इज बनी रहे, तो ऐसी कमोडिटी की इलास्टिसिटी को कहा जाता है जीरो इलास्टिसिटी या कंप्लीटली इन इलास्टिक डिमांड, क्योंकि उसकी डिमांड घटती बढ़ती है ही नहीं। इलास्टिक का मतलब घटना, बढ़ना, कम होना, ज़्यादा हो जाना। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी कमोडिटी की इलास्टी कम हो या ज़्यादा हो उसको प्रभावित करते हैं। सबसे पहला है नेचर ऑफ कमोडिटी। स्वयं उस कमोडिटी या गुड्स या सर्विस की नेचर प्रभाव डालती है उसकी इलास्टिसिटी पे। जनरली नेसेसिटी गुड्स, ऐसी गुड्स जो आवश्यक होती हैं लोगों के जीवन यापन के लिए, उनकी डिमांड इन इलास्टिक होती है, इन इलास्टिक या लेस इलास्टिक। फॉर एग्जांपल सॉल्ट एंड व्हीट, ये लोगों के जीवन के लिए ज़रूरी होते हैं दोनों ही, तो इसलिए इनकी कीमत अगर बढ़ेंगी और घटेंगी भी तो भी इनके प्रयोग पे, इनके यूसेज पे कोई बड़ा अंतर नहीं आता है, इसलिए इनकी डिमांड इनइलास्टिक रहती है। जबकि लग्जरी गुड्स हैव इलास्टिक डिमांड। जो लग्जरी गुड्स रहती हैं जैसे एसी है, एयर कंडीशनर, इनकी डिमांड इलास्टिक होती है। इलास्टिक मतलब कि इनके प्राइस के कम होने या ज़्यादा होने का इनकी डिमांड पे काफ़ी फर्क पड़ता है। तीसरे होते हैं गुड्स ऑफ कंफर्ट, आरामदायक वस्तुएं, जिनको ना तो लग्जरी की श्रेणी में रखा जाता है और ना ही उनको नेसेसिटी गुड्स कहा जाता है, जैसे कपड़े पहनना लोगों के द्वारा या टीवी की डिमांड, जो लग्जरी से कुछ कम वस्तुएं होती हैं, नीड की तो होती हैं लेकिन लग्जरी की श्रेणी में नहीं आती हैं। टू व्हीलर्स, इनकी डिमांड जो होती है वो लग्जरियस गुड्स से तो कम इलास्टिक होती है लेकिन सॉल्ट एंड व्हीट से ज़्यादा इलास्टिक होती है। नेक्स्ट है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कमोडिटी का प्राइस, किसी कमोडिटी का प्राइस अगर बहुत ज़्यादा है, वो कॉस्टली है, तो कॉस्टली गुड्स की डिमांड जनरली इलास्टिक पाई जाती है, उनकी कीमत का फर्क पड़ता है उनकी डिमांड पे। लेकिन ऐसी गुड्स जो कॉस्टली नहीं होती हैं, जिनका प्राइस कंपैरेटिवली काफ़ी कम होता है, उनकी डिमांड इन इलास्टिक होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। फॉर एग्जांपल लोग मैच स्टिक पे कोई खर्च करते हैं तो जो छोटे मोटे रोज़मर्रा के खर्चे होते हैं उन पर कम पैसा जहाँ पर इन्वॉल्व होता है, कॉपी, पेन, तो इन सब पे बहुत ज़्यादा इनके प्राइस कम या ज़्यादा होने का असर नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। अगर किसी गुड का या कमोडिटी का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो इससे उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा रहती है।
जिन कमोडिटीज के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है उनकी इलास्टिसिटी कम होती है। फॉर एग्जाम्पल डिमांड फॉर टी एंड कॉफी, टी और कॉफी एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं, इसलिए इनकी जो डिमांड है वो इलास्टिक होती है। अगर टी का प्राइस बढ़ जाएगा तो हो सकता है टी की डिमांड कम हो जाए, कॉफी की डिमांड लोग करने लग जाए। हालांकि दूसरी तरफ देखें इसके अगेंस्ट, तो सॉल्ट की डिमांड इन इलास्टिक होती है। उसका कारण ये भी रहता है कि सॉल्ट का हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूट मौजूद नहीं है। अगर सॉल्ट महंगा भी हो जाए तब भी इसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है और इसलिए इसकी डिमांड पे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है अल्टरनेटिव यूजेस। अगर किसी गुड्स के कमोडिटी के अल्टरनेटिव यूजेस हैं तो इससे भी उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी के मल्टीपल यूजेस होते हैं, अगर इसके प्राइसेस बढ़ जाएं तो लोग कम जो उनका कुछ जैसे मल्टीपल यूजेस होते हैं तो जो लोगों के लिए कम नेसेसरी यूजेस हैं उनको कम कर देंगे, उनको बंद कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी हो जाए तो हो सकता है कुछ लोग एसी कम चलाएं या ना चलाएं, तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड जो है वो गिर जाएगी। तो इसलिए जब अल्टरनेटिव यूजेस अवेलेबल होते हैं किसी कमोडिटी के तो उनमें से कुछ यूज गैर जरूरी होते हैं, कुछ यूज ज़्यादा जरूरी होते हैं, तो इसलिए वहाँ पे गुंजाइश रहती है इलास्टिक डिमांड होने की। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कुछ गुड्स ऐसी होती हैं जिनका यूज दूसरी गुड पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल कार एंड पेट्रोल। तो अगर मान लो कार का प्राइस कम हो जाता है और पेट्रोल के प्राइस पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, फिर भी पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाएगी, वहाँ पे क्या है कि पेट्रोल की जो डिमांड है वो कार की वजह से क्या होगी, प्रभाव पड़ेगा उस पर, तो एक दूसरे पे प्रभाव छोड़ती हैं। नेक्स्ट है लेवल ऑफ इनकम। अब लेवल ऑफ इनकम का भी फर्क पड़ता है। जिन गुड्स को ऐसे लोग खरीदते हैं जिनकी इनकम हाई है, जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा है, जो नेट वर्थ इंडिविजुअल हैं, हाई वर्थ ऊंची इनकम वाले लोग, तो क्योंकि उनकी इनकम ज़्यादा होती है इसलिए उनकी जो डिमांड होती है वो इन इलास्टिक टाइप की होती है, क्योंकि उन पे सामान की कीमतों में थोड़ा बहुत बढ़ने का कोई फर्क नहीं पड़ता है हाई इनकम लोगों पे। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर सोसाइटी में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसका मतलब होता है कि लोग कुछ लोग काफ़ी अमीर होते हैं और कुछ लोग काफ़ी गरीब होते हैं। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में जो डिमांड रहती है वो लेस इलास्टिक रहती है या इन इलास्टिक। लेस इलास्टिक इसलिए रहती है क्योंकि जो बहुत अमीर लोग हैं उनके यहाँ कीमत बढ़ने घटने का कोई फर्क नहीं पड़ता है, और जो बहुत गरीब लोग हैं वो ऑलरेडी केवल वही वस्तु खरीद पाते हैं जो उनके नेसेसरी यूज की होती है, तो इसलिए अगर उनका प्राइस बढ़ भी जाएगा तो वो कम उनका कंजम्पशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो ज़्यादातर अपनी जो नेसेसिटी नीड्स होती हैं उन्हीं को पूरी कर पाते हैं गरीब लोग। नेक्स्ट है हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर की हैबिट का भी फर्क पड़ता है। कुछ गुड्स ऐसी होती हैं जिनमें कंज्यूमर उनके हैबिचुअल हो जाते हैं, तो जिन गुड्स की हैबिट लग जाती है उनके प्राइस चाहे जितना बढ़ जाए उनके डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसलिए वहाँ पे इनइलास्टिक डिमांड पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल जो लोग लिक्वर का कंजम्पशन करते हैं वो आदतन करते हैं, हैबिट से करते हैं, और अगर लिक्वर के प्राइसेस बढ़ भी जाते हैं तो भी वो उसकी डिमांड कम नहीं होने देती है। नेक्स्ट है टाइम एलिमेंट। समय प्रभाव भी पड़ता है डिमांड पे। शॉर्ट पीरियड में यानी कि अल्प समय में ज़्यादातर गुड्स की जो डिमांड होती है कंपैरेटिवली वो इनइलास्टिक होती है, क्योंकि बहुत छोटा पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें ना तो सप्लाई को अचानक बढ़ाया जा सकता है ना घटाया जा सकता है, ना ही डिमांड को घटाया जा सकता है ना बढ़ाया जा सकता है, इसलिए शॉर्ट पीरियड में लगभग इनइलास्टिक डिमांड रहती है, जबकि लॉन्गर पीरियड में लंबी अवधि में चीज़ों की जो डिमांड रहती है वो इलास्टिक हो जाती है, क्योंकि लंबी अवधि समय का वो पैमाना होता है जिसमें हम नई सप्लाई बढ़ा सकते हैं, सब्स्टिट्यूट भी नए क्रिएट किए जा सकते हैं। तो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इसी में सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जानना क्यों जरूरी होता है गवर्नमेंट के लिए, सोसाइटी के लिए, इकोनॉमिस्ट के लिए या मैनेजमेंट के लिए, तो इसका कारण रहता है सबसे पहला प्राइस डिटर्मिनेशन। मैनेजमेंट को प्राइस डिटरमाइन करना होता है अपनी कमोडिटीज का, तो जब प्राइस वो डिसाइड करते हैं तो एक चीज़ ये भी वो ध्यान रखते हैं
कि अगर उनकी गुड्स ऐसी हैं जिनका कंजम्पशन इन इलास्टिक है, जिनकी डिमांड इन इलास्टिक है, मतलब उन गुड्स की जो डिमांड है वो कम नहीं हो सकती है, तो ज़्यादा प्राइस भी रखा जा सकता है ज़्यादा अर्निंग करने के लिए। लेकिन इसका उलट हो जाएगा, अगर गुड्स ऐसी हैं जिनकी डिमांड काफ़ी इलास्टिक है तो उनके प्राइसेस कंपैरेटिवली नीचे रखे जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा प्राइस रखने से उनकी सेल काफ़ी कम हो जाएगी। नेक्स्ट है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऐसी सिचुएशन होती है जब कोई संस्था सेम प्रोडक्ट के लिए अलग अलग कंज्यूमर से अलग अलग प्राइसेस चार्ज करती है, तो इसको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन संभव तभी हो पाता है जब किसी कमोडिटी की जो डिमांड है वो अलग अलग मार्केट में अलग अलग इलास्टिसिटी उसकी मिलती है, तो जिन मार्केट में डिमांड इन इलास्टिक होती है वहाँ पे ज़्यादा प्राइस रखा जा सकता है, और जिन मार्केट में डिमांड इलास्टिक है या ज़्यादा इलास्टिक है वहाँ पे प्राइसेस कंपैरेटिवली कम रखे जाते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मुलेशन ऑफ टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसीज फॉर्मुलेट करना। सरकार जब टैक्सेशन पॉलिसीज बनाती है किसी देश के लिए तो कुछ तो सरकार अपनी पॉलिसीज को पॉलिसी जो होती हैं सरकार की वो गाइड करती हैं उसको, और किसी सामान की नेचर भी गाइड करती है कि उस पर टैक्स कम लगाएं या ज़्यादा लगाएं। कुछ चीज़ों का कंजम्पशन सरकार को कराना होता है पब्लिक से कि पब्लिक इनको कंज्यूम कर पाए ज़्यादा से ज़्यादा, तो उन पर टैक्स नहीं लगाते हैं या कम लगाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में सरकार चाहती है कि ये अच्छा नहीं है ऐसी चीज़ों का ज़्यादा कंजम्पशन होना मार्केट में, तो उन पर टैक्सेस बढ़ा देते हैं। इसके अलावा एक ये भी सरकार के पास एक टूल रहता है इस बात को सोचने का कि जिन कमोडिटीज़ की डिमांड इन इलास्टिक है उन पे सरकार ज़्यादा टैक्स चार्ज कर सकती है, जिससे सरकार भी अपने रेवेन्यू को बढ़ा सकती है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में सरकार को इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ बनानी पड़ती हैं, तो जब सरकार अपनी पॉलिसीज़ बनाती है या टर्म्स ऑफ ट्रेड सेट करती है किसी दूसरे कंट्री के साथ, तो वहाँ पर भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। कुछ ऐसे गुड्स होते हैं सरकार के पास जिनको हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं और उनकी डिमांड अगर इन इलास्टिक है तो हम उनको हायर प्राइसेस पे भी सप्लाई कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जब इम्पोर्ट होता है तो उसमें भी ये लागू होता है कि जिन कमोडिटीज़ का हमारे यहाँ पे डिमांड इन इलास्टिक रहती है उनका हमें ज़्यादा प्राइस देना पड़ जाता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं किसी भी इकोनॉमी में, जो प्रोडक्शन होता है वह प्रोडक्शन ही इनकम भी होता है उस कंट्री के लिए, और उस प्रोडक्शन में जो योगदान देते हैं उनको कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे लैंड, लेबर। अब ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ये प्रोडक्शन में जो हेल्प करते हैं उसके बदले में इनको इनकम मिलती है इकोनॉमी से, जो इनकम होती है वही इनकम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बनती है मार्केट में जा करके। तो जनरली जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो अपने फैक्टर्स के प्राइस सेट करते हैं, फैक्टर्स का जो प्राइस होता है वो प्रोड्यूसर के लिए खर्चा हुआ लेकिन उस फैक्टर के लिए वही इनकम होता है। कि जैसे जो लोग लेबर हैं हम लोग अपनी मेहनत देते हैं संस्थाओं को, तो संस्था बदले में हमें जो पे करती है वो हमारे लिए इनकम हो जाती है। जनरली जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं प्रोड्यूसर्स होते हैं वो जिस फैक्टर की उनके यहाँ पे इन इलास्टिक डिमांड होती है, मतलब जिसकी डिमांड को वो कम नहीं कर सकते हैं, उनके लिए वो जरूर होता है कि इतनी डिमांड तो वो करेंगे ही करेंगे, इतने लेबर हमको चाहिए चाहिए, इतने इंजीनियर हमको चाहिए चाहिए, उनका प्राइस कंपैरेटिवली ज़्यादा रखा जाता है। लेकिन जिसका किसी प्रोड्यूसर के यहाँ जिस फैक्टर का डिमांड इलास्टिक रहता है उसको कम प्राइस पे भी रखा जा सकता है। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किए फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। थैंक यू।